तो आज फिर हम आ गए थे एक और नए जगह जो कि रायपुर में ही है, मतलब रायपुर मेन रोड में पड़ता है ये जगह, कुछ शेरी खेड़ी करके रोड का नाम है, वहाँ पे पड़ता है। तो हम आ गए थे आज पंजाब बिस्त्रो, जो कि ये भी हम फर्स्ट टाइम आए थे और हमको ये कोई नया जगह लगा, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी ट्राई किया जाए। तो हम चले गए थे अंदर, बट अंदर जाने के पहले आपको यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया मिलेगा बाहर में, जहाँ आप बैठ के यहाँ पे भी आप डिनर या लंच जो करना आप कर सकते हो। बट यहाँ पे ना मैं भी सोची थी कि हम यहीं बैठेंगे, बट वहाँ इतने ज़्यादा मच्छर थे तो हम अंदर चले गए वहाँ पे। तो यहाँ ना बाहर पे भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे, और अगर आपको अंदर बैठ के भी अगर लंच या डिनर करना है ना, तो आप अंदर बैठ के भी कर सकते हो। मतलब जैसे कि यहाँ पे ना पार्टीज़ वगैरह भी चल रही थी, मतलब जैसे किसी का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा था, तो बाहर पे काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग अंदर आ गए थे। मतलब हम लोग को अंदर ही बैठना था इसलिए हम लोग अंदर आ गए थे। बाहर थोड़ा सा आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे ना लाइव म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा था, इसलिए हम लोग ना अंदर आ गए। तो इस जगह भी जब हम गए थे ना, तो हम फर्स्ट टाइम ही गए थे इस जगह पे, और ना ये जगह तभी बना था, मतलब कि ये ओपन ही तब हुआ था, मतलब इसको भी शायद 2 या 3 महीने ही हुए थे ओपन। तो हमने यहाँ पे अपना खाना भी ऑर्डर कर लिया था और अंकुर अंदर ही बैठे हुए थे, तो मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए कि बाहर का व्यू कैसा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है, यहाँ का ना लॉन वगैरह भी काफ़ी स्पेशियस है और बैठने का भी सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी है, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और ना यहाँ पे इतना ज़्यादा आवाज़ चल रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, गाना वाना मतलब लाइव म्यूजिक्स वगैरह चल रहे थे, तो मैं भी चले गई थी अंदर। तो यहाँ अंदर में भी काफ़ी स्पेशियस जगह है, मतलब काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, और इसके ना लेफ़्ट साइड में भी सिटिंग अरेंजमेंट था, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि उस तरफ मैं गई नहीं थी। जब हम सेकंड टाइम गए थे ना, तब मैं वहाँ पे गई थी, तो वो भी बहुत अच्छा था बैठने के लिए। तो यहाँ पे ना मतलब हमने खाना वाना ऑर्डर कर लिया था और अब हम ना अपने काफ़ी देर से वेट कर रहे थे हमारे ऑर्डर का, तो वो ऑर्डर आ नहीं रहा था, तो मैं बाहर चल गई थी गाना सुनने के लिए। फिर थोड़ी देर में वापस अंदर भी आ गई क्योंकि अंकुर फ़ोन में बात भी कर रहे थे, तो इसलिए मैं सोची कि मैं बाहर से घूम के आ जाती हूँ। तो उसके बाद तब तक हमारा ऑर्डर भी आ चुका था, तो हमने स्टार्टर पहले ऑर्डर किया था। स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया था फ़िश फिंगर, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब अच्छा लगा। और मुझे स्टार्टर ही यहाँ का ज़्यादा बेस्ट लगा, मतलब मुझे मेन कोर्स सो लगा, मतलब ठीक है खाने लायक है, मतलब ये बोल सकती हूँ, मतलब ये नहीं बोल सकती कि एकदम अच्छा नहीं था, बट हाँ स्टार्टर मुझे एज़ कम्पेयर टू मेन कोर्स स्टार्टर मुझे यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा। तो फ़िश फिंगर खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि फ़िश फिंगर थोड़ा सा मतलब फ़िश फ्रेश था। मैं जनरली बाहर का फ़िश ट्राई कभी नहीं करती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ना बाहर का फ़िश ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता बाहर का, मुझे घर का ही फ़िश ज़्यादा बेस्ट लगता है और अच्छा लगता है। बट मैंने ना इसको फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो मुझे अच्छा लगा था फ़िश फिंगर। तो स्टार्टर में फ़िश खाया जा सकता है, बट ना मेन कोर्स में ना मुझे बाहर का फ़िश उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बट अंकुर की वजह से मुझे खाना पड़ता है क्योंकि उनको फ़िश अच्छा लगता है और वो बाहर का फ़िश खा लेते हैं, बट मैं थोड़ा सा नहीं खाती हूँ, मैं अवॉइड ही करती हूँ फ़िश बाहर का। बाकी चिकन वगैरह मैं खा लेती हूँ। तो हमने ना यहाँ पे चिकन मंगाया था, कौन सा चिकन मंगाया था मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है इसका, बट ये भी खाने में टेस्टी था। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी और मसाला बहुत ज़्यादा लग रहा था, मतलब थोड़ा सा हैवी ज़्यादा लग रहा था, और उसके साथ ना हमने बटर गार्लिक नान मंगा लिया था जो कि हमारा पेटेंट है, मतलब हम सब्ज़ी नॉन वेज में जो भी मंगाए उसके साथ हम बटर गार्लिक नान ही मंगाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब ना खाने में और ज़्यादा टेस्ट एक्स्ट्रा ला देता है मुझे ऐसा लगता है, तो हम ना हमेशा यही मंगा लेते हैं। तो ये तो मुझे बेस्ट लगता है बटर गार्लिक नान, तो उसके साथ हमने चिकन ऑर्डर किया था तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब हम दो के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा थी, तो हमने ना मतलब हम अक्सर ऐसे करते हैं कि जब वो थोड़ा सा बच जाता है तो हम ले के आ जाते हैं, हम वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम खाना वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं। हाँ अगर क्वांटिटी बहुत मतलब एकदम थोड़ी सी बची है तो ऐसा नहीं कि हम उसे भी ले के आ जाते हैं, बट हाँ जनरली हम जो खाना अगर बच जाता है ना तो उसको हम पैक करा लेते हैं। और
इसको देख के आपके मुंह में तो पानी ज़रूर आ रहा होगा, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे सच में खाने का मन कर रहा है। लेकिन उस टाइम ना मुझे स्टार्टर ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैं ना मेन कोर्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं की थी, बट अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे वो खाने का मन कर रहा है। बट एनीवेज अब आ गया था हमारा चिकन फ्राइड राइस, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बट ठीक है, मैं वहाँ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि सारे स्टाफ भी थे वहाँ पे और वो हमसे पूछ भी रहे थे कि कैसा बना है, तो हमने मतलब ऐसा बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि अच्छा नहीं बना है, तो हमने उनको बोला हाँ अच्छा था, मतलब खाना अच्छा था, मतलब मैं ऐसा बोल नहीं पाती किसी को कि यार अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ऐसा है, तो हमने ना उनको बोला कि अच्छा ही था। और उसके बाद अंकुर भी मेरे से पूछ रहे थे कैसा है, तो मैंने कहा ठीक है, बट मेरा मुंह का एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हो कि मतलब मुझे सो लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे यम्मी तो नहीं लग रहा था, बट ठीक है खाया जा सकता है टाइप का। उसके बाद लास्ट में हमने मंगा लिया था हमारा फेवरेट गुलाब जामुन। मतलब ये तो मैंने एकदम अंकुर से ही खाना सीखी हूँ, मतलब मेरे को खाने के बाद मीठा खाने का आदत बिल्कुल भी नहीं था, बट मैं अभी अभी ये चालू की हूँ, मतलब मुझे अभी अभी ऐसा मेरा शौक चढ़ा है कि मुझे ना खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, नहीं तो मैं जनरली मतलब पहले मैं ऐसी नहीं थी कि मुझे खाना खाने के बाद मेरे को मीठा चाहिए ही। यहाँ गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा गर्म था कि मैं उसको खा ही नहीं पा रही थी, तो मैं एकदम थोड़ा थोड़ा लेके खा रही थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो इसको ना मैं थोड़ी देर ठंडा करने के बाद उसके बाद इसको मैं खाई। तो गुलाब जामुन खाने के बाद मतलब हमारा खाना वाना हो गया था, डेजर्ट भी हमारा हो गया था, और इसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और मैं बता दूँ कि गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत टेस्टी था गुलाब जामुन, मुझे वहाँ का बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एकदम ही सॉफ्ट था, बस गर्म था तो मैं उसको खा नहीं पा रही थी। तो ओवरऑल इट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।